गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। और आज है मंडे और अमावस भी है, तो आज के दिन सोमवार के दिन अमावस पड़ी है, तो सोमती अमावस बोलते हैं इसको। और काफ़ी मतलब साल में रेयर होती है ये। मम्मी का जस्ट अभी कॉल आया था, वो बता रहे थे, तो मेरा फास्ट है। और दूसरा एक सुबह सुबह बैड न्यूज़ है, रात को 3 बजे विस्की की मम्मा का कॉल आया और वो बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, उसको पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो रात को 3 बजे वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और फिर वो थोड़ा सा काटने भी लगी नेहा को, मे बी शायद पेन में। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप यहाँ ले आओ। तो यहाँ पे आपकी विस्की मैडम हुई, जब से रात से 3 बजे से आई है ना, तब से सोई नहीं है, ऐसे ही बैठी है, अनईजी फील कर रही है बहुत। इसको पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, नेहा ने बताया कि बेड पे चढ़ते हुए जैसे बेड का एज निकला हुआ है ना, तो वो शायद इसको लग गया था, तो उस वजह से ना इसको पेन था। तो रात को तीन बजे सडन ये बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और चारों पैर से ना बहुत ज़्यादा लंगड़ा के चली। तो नेहा भी डर गई बहुत ज़्यादा, उसे भी समझ नहीं आया क्या करूँ। फिर उसने काफ़ी देखा, समझने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने मुझे कॉल किया, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है आप उसको यहाँ ले आओ, क्या पता वो यहाँ अच्छा फील करे। तो वो जैसे यहाँ पे आई आके और बस तब से ही गाड़ी के नीचे बैठी है, ना वो सोई है, ना उसने पानी पिया है, कुछ नहीं खाया उसने। और आज फाइनली यहाँ पे मेरी जो जंगली घास है वो निकल रही है, मौसम भी ठीक हो रहा है, ऐसे लग रहा है बारिश आ जाएगी। और ये देखो ये घास है जो लगवाई है, इसने ग्रो ही नहीं किया बिल्कुल, और ये जंगली घास देखो कितनी ज़्यादा होगी, इसके चक्कर में घास ही ग्रो नहीं कर पा रही है। तो आज ही निकल जाएगी होपफुली, और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। आ जाओ क्यों छुपाई, देखो दीदी काम कर रहे हैं ना, उठ जाओ नलायक, उठ जाओ, योनिंग कर रहे हैं, बताओ क्या ऐसे क्यों बैठ गया तू। अरे गांधी जी के 3 बंदे बस नवाब को भेज रही हूँ, चलो घूमने चलते हैं। तो हमारे अरे भोलू कैसे बैठ गया उसके घर के बाहर, तो कालू जी कैसे आएंगे, ओले 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 निकल नहीं पाता अब साइड से, मोटा हो गया। आ जाओ मोटा हो गया तू है, अरे वाह आओ चलो घूम ही चलते हैं सारे। कालू भाई साहब को देखना कैसे आगे रास्ता दिखा रहा है हमें, जैसे हमें पता ही नहीं हमें वॉक करने कहाँ जाना है। और आज ना काली भी आएगी अपने गैंग के साथ, अभी लोग पार्क में जाएंगे क्या, पार्क में भी बारिश ही नहीं पड़ी। अच्छा बारिश ना बहुत तेज होने वाली है क्योंकि बिल्कुल अंधेरी के साथ में बादल आया है। इससे पहले बारिश तेज आए मैं फटाफट नवाब को घुमाने ले आई, और गोलू भोलू और साथ में कालू को भी लेके आई हूँ, थोड़ा घूम लेगा बच्चा, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी, तो दिन में आराम से रेस्ट करेगा बच्चा। ध्यान से देख के आ जाओ इधर गोलू भोलू इधर। पता रात से जब से विस्की आई है ना 3 बजे से, तब से टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है, और नींद भी नहीं आई मुझे, तो इतना मतलब स्ट्रेस हो गया है कि यार बच्ची को देखो इतनी मुश्किल से, इतना प्यारा, इतना अच्छा घर मिला, इतने केयरिंग पेरेंट्स मिले, और या तो उसको एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ही बताएंगे क्या दिख। तो बच्चे मस्ती करना चाह ही रहे थे कि फटाफट एकदम से बारिश आ गई, तो भागना पड़ेगा। पैकअप, आ जाओ सारे, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी, आ गया कालू भी, आ गया जल्दी आओ, एकदम बहुत तेज बारिश आई ना, वो भागो बेटा भागो। देखना बारिश कितनी तेज आई है एकदम अंधेरी के साथ में, काम भी रोकना पड़ा हमें, बस इतनी सी घास निकली है अभी, ये तो बिल्कुल ही नहीं चली, इसका मतलब जंगली घास ने चलने ही नहीं दिया। दीदी लो चाय ले लो, चाय ले लो, टूटी तो है लेकिन टूटी के ऊपर घास डाल दिया आपने। इधर से ही आता है पानी, धो लो हाथ फिर पीना चाय आराम से। तो आपने पूछा विस्की से, पूछा आपने क्या हुआ, विस्की गुस्सा कर रही है आज नाबू को क्योंकि विस्की पेन में है बहुत ज़्यादा। रो ना इसको, मैं तो अभी जब इसको देखा हो फिर मैं तो बहुत परेशान हो गई यार, टेंशन हो रखी है, और मेरे को सबसे बड़ी टेंशन हो रखी है कि लोगों को बताऊं कैसे, कल तो बताया कि अडॉप्ट हो गई है, आज क्या बताएं कि मतलब ज़्यादा बीमार है नर्व में प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर, तो खैर तो पता चलेगा तभी पता चलेगा कि डॉक्टर। क्या खा रही है हमारी बकरी, हवा अच्छी चल गई बारिश के बाद। ऐसे क्या करोगे, सारा दिन बस चुम्मा चाटी यही चलता है बस, और कोई हमारे घर में काम ही नहीं है, सारा दिन चुम्मा चाटी, इस लड़के को हमने परेशान कर रखा, जिंदगी खराब कर रखी, ये ना एकदम मुंह पीछे खींचता दिन में। तो आ भी नहीं रहा गोलू इस पे बहुत ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा है तू, लेकिन तुझे बैठना इसी पे है ना, लो गिर जाएगा। तो यहाँ पे इतनी सफाई हो गई देखो, और एंड में निकला क्या, कुछ भी नहीं, जो मैंने नहीं मैं नहीं काट सकती ऐसे, जैसे जिस तरीके से काट रहे हैं ना, तो हैज की कुछ थोड़ी सी अभी ऐसी शेप दी है दीदी ने, और देखो
देखो मेरे साथ में गोलू भी आया। एक्चुअली आज मेरा फास्ट है ना, तो मंदिर में मुझे फूल भी चढ़ाने हैं, तो मैं फूल लेने आई हूँ। हमारे पड़ोसियों के गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है और कितने फूल हैं। मैं एक्चुअली वाइट ही लेने वाली हूँ क्योंकि आज अमावस भी है, तो वाइट ज़्यादा। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ना बुआ कम यहाँ। अभी आप लोगों को लोमड़ी का एक रूप दिखाऊँ। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे ये इसमें कवर सा लगाया गाड़ी में, क्योंकि बच्चे ना सारे गंदे हो रहे हैं। नाबू को लगनी है वैक्सीनेशन। नाबू की वैक्सीनेशन ड्यू चल रही है, मतलब ड्यू नहीं चल रही है, जुलाई में ही लगनी थी, तो वो डेट है। तो हमने सोचा कि विस्की के साथ साथ है ना, विस्की भैया को भी ले जाए ना ले। तो हम लोग निकल गए, सबसे पहले जाएंगे मंदिर, उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल। और ये गुड्डी मम्मा के साथ मंदिर जा रहा है। मेला गुज्जा छोला बतूला मेला। तो मम्मा गई मंदिर भोलेनाथ को मनाने, और ना भूल रहा है ना वो, सही बात है, मम्मा मनाने गई है। अंजी विश्की कहाँ जा रहे हो? अरे ये देखो हमारा चीता कहाँ से देख रहा है, क्या हो गया आपके? विश्की को पता नहीं है सच में क्या हुआ, इतना सब कुछ इतना अच्छा हुआ। ओ नहीं, आज कुछ नहीं खा रही इसने गाड़ी। मंदिर से आने के बाद में हम लोग अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, और सीरियसली मुझे रोहन को इतनी हैरानी हो रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चा बहुत अच्छा खासा गया था एकदम सही, और सडन उसको क्या हुआ है कि जो उसका पूरा बैक वाला एरिया है ना, जो हिप एरिया है, दोनों पैर वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको, वो सही से चल ही नहीं पा रही है। इसको देखना इसको कैसा बैठा है, ये बिल्कुल कमर करके कॉर्नर, क्योंकि और यहाँ देखो एकदम जबरदस्त ना मुस्कुराइए आप नोएडा में, आप नोएडा में जबरदस्त कैसा बेटा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो बेचारी, देखो कैसे लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्या हो गया। देखो 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 यार, इसको देख के सच में इतना बुरा लग रहा है कि अच्छी खांसी कितनी अच्छी रिकवर हुई और पता नहीं क्या हुआ सडन। देखो सर इसको तो वैक्सीनेशन कर दो नाबू को, और सर इसको देखो ये तो भाई इसे तो रात से 3 बजे से जागी हुई नहीं, पाँव देखो पाँव मुड़ा हुआ है। ये जैसे क्या होता है ना, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये अपने आप सही कर लेता है, इसमें भी आ रहा है धीरे धीरे। इसकी बैठो आराम से, इसको देखना है उसका। केयर कर रहे हो अपने को भूल गए हो। लेकिन नवाब की वैक्सीनेशन ड्यू हो गई है कुछ हफ्ता दस। कैसा इन्फ्लुएंसर बनोगे तुम? 1 महीने का होता है, मैंने सबसे पहले लॉकडाउन में बात कर रखी है। हैं? लेकिन कैसा माँ बाप बनोगे? यहाँ पे लगेगी पीछे। ना वो सब सुनता है, हमको सब पता है आया क्यों था। फिर तेरे को ही रहता है कि लड्डू खाने जाना है बाहर, इसकी मसाला निकाल दे जहाँ ठीक लगे सर। काल खींच लेता है आराम से। चलो 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 गुड बॉय। आ जाओ मिला है तुम्हें? अच्छा नहीं चल पा रही हो, थोड़ा मन। चलो चलो बैठो 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 आराम से बैठो, शाबाश गुड गर्ल। तो आप लोग हम वापस जा रहे हैं ट्रीटमेंट करवा के, बैठ जाओ गुड गर्ल। नाबू नाबू अच्छे बच्चे, नाबू की कैंडी भी मिल गई। इधर कैंडी कैंडी कहाँ मिल रही है? यूरी कैंडी कैंडी बीमार है जॉइंटिस। कैंडी बाय। अरे अरे हमारा लाइट लाइट हो गई। अरे भाई अच्छा लाइट खुल गई। नाबू के पापा नाबू को छोड़ गए बाहर और खुद चले गए डी मार्ट में शॉपिंग करने।
पापा क्या देखने गए, मुझे ऐसा लग रहा है शायद पापा ना गमले देखने गए, किसी ने सजेस्ट किया था कि डी मार्ट में गमले सस्ते हैं। हम लोग बोला विस्की की सच में इतनी टेंशन हो रखी है क्योंकि बच्ची इतनी अट्ठी कट्टी, मतलब इतने रिकवर कर रही थी, इतनी अच्छी से हो गई थी, और डॉक्टर ने बताया कि इसको ना नर्व इशू का प्रॉब्लम है, इसकी ना कहीं पे कुछ नस दबी है, या इसको कहीं जैसे कुछ कूदते फानते चलते फिरते इसको चोट लगी है तो वो नस में लग गई है, तो जिस वजह से इसका जो बैक वाला एरिया है पूरा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज फिलहाल डॉक्टर ने इसको स्टीरॉइड चढ़ाया है तो वो 3 दिन चढ़ेगा, और डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ठीक होगी या नहीं होगी, 3 दिन आपको जो कंप्लीट कोर्स है ना स्टीरॉइड्स का वो कंप्लीट करना होगा। तो जो 3 दिन है कंटिन्यू हमने इसको लगवानी है, स्लाइम के साथ में वो चढ़ेगा धीरे धीरे, और उसके बाद में पता चलेगा, और हम आप लोगों को 3 दिन बाद ही अपडेट कर पाएंगे कि विस्की की क्या सिचुएशन है, विस्की कैसी है। जब ये हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे ना तो मैं और रोहन हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि यार देखना कितने अच्छे से हमने इसको भेजा था, और ये अपने नए घर में गई थी कितनी खुश थी, और एकदम से सडन पता नहीं क्या हो गया, मतलब समझ ही नहीं आया कि सब बैठे बैठे सब इतना अच्छा था, पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ ही नहीं आया कुछ भी। तो हम लोग चौकीदारी के लिए छोड़ के जाते हैं, ये जो नालायक सामने लेट रहे हैं देख लो कैसे चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदारी खुद चोर को दावत दे रहे हैं। आ जाओ, आज हम लोगों का जो लंच है वो काफी लेट हो गया, तो रोहन को तो मैंने बना के खिला दिया है खाना, अभी जस्ट अपने लिए कुछ बनाना है, सोच रही हूँ कि क्या खा सकती हूँ, मेरी हालत इतनी बुरी हो रखी है, पहले तो सोच रही हूँ कुछ थोड़ा कुछ ऐसा खाऊं जिससे थोड़ी एनर्जी आ जाए बॉडी में। तो सुबह से मुझे इतना भी टाइम नहीं लगा है कि मैं अपने बालों को कॉम कर लूँ, जैसे मैंने हेड वॉश किया ना, हेड वॉश करने के बाद में जैसे क्लचर लगाया है वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, और अभी विस्की से मिलने नेहा भी आई हुई थी, इसको देख के गई अच्छे से, और बस अभी तो खैर कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये देखो गार्डन में से वो जो जंगली घास निकाली है उसके बाद में जो असली घास है वो इतनी सी निकली है, क्योंकि जंगली घास इसको ग्रो ही नहीं होने दे रही थी, और हैज़ की भी हमने थोड़ी कटिंग करा दी जिससे कि थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी हो जाए, क्योंकि कटते हैं ना पेड़, कटिंग होती है तो अच्छी ग्रोथ होती है, और सामने जो है उनकी भी हमने कटिंग कराई है थोड़ी थोड़ी। मैंने यहाँ पे विस्की को खाना दिया है, और विस्की की जो पीछे की बैक की जो हालत है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बच्ची को देख के ना इतना बुरा लगे जा रहा है, इतना बुरा लगे जा रहा है, और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं बताओ। तो हम लोग आए थे वॉक करने, थोड़े से लेट हो गए आज एक्चुअली विस्की के चक्कर में, सब लेट और ऊपर से कुछ मन भी ठीक नहीं है ना, तो शायद इस वजह से भी। तो ये हमारे कालू जी कहाँ घूम रहे हैं, कालू तुम कहाँ घूम रहे बेटा अकेले हैं, ये देखना, ओए 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 नहीं। अभी जस्ट मैं नवाब को घुमाने गई हुई थी, साथ में कालू भी था, और मेरी हो गई बहस, और बहस भी हो गई बहुत गंदे वाली, हमारे घर से 5-6 घर छोड़ के घर है अंकल ने, अभी जस्ट अभी बनाया है, 1-2 महीने पहले उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी हुई है, और तसल्ली से घर बनाया है अंकल ने, मस्त, मतलब आई गेस 3-4 करोड़ लगाए होंगे, बढ़िया वाला घर बनाया है, लेकिन जितना सुंदर अंकल का घर है ना, नेचर तो और बिहेवियर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत प्यारा घर है, उसके सामने क्या हुआ कि वो मेरा रास्ता है जाने का, तो मैं नाबू गोलू भोलू चिंटू मिंटू और कालू, ठीक है नवाब सिर्फ पेट डॉग है और कालू सिर्फ पेट डॉग है, अदरवाइज बाकी सारे स्ट्रीट डॉग हैं, तो इनकी मर्जी है ये किसी के भी घर के आगे बैठे, किसी के भी मतलब घर के सामने से निकल के जाएं, रोड तो सारी रोड उनकी है, सारा सेक्टर उनका है, वैसे तो हमारा भी है, तो मेरा वो रास्ता ही पड़ता है, तो मैं उधर से निकल के जा रही थी, तो क्या हुआ कि कालू ने पोटी कर दी उनके घर के सामने, तो इतने एटिकेट्स और बेसिक चीज़ें मुझे भी पता है कि अगर कहीं ऐसी जगह पे कोई भी डॉग मेरा हो या किसी का भी हो पोटी करता है तो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पोटी उठाने में, तो क्या हुआ कि मेरे पास ना पॉलिथीन नहीं थी, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी, मैं सिर्फ नवाब को घुमाने गई थी, मैंने देखा कि कालू कहीं से आया घूमता फिरता, तो मैंने कहा चलो भी कालू भी आ गया, मैं जस्ट अभी बनाई थी वीडियो कि कालू भी आया कहीं से, तो उसने पोटी कर दी, तो मैं इधर उधर मैंने अपने राइट लेफ्ट देखा तो मुझे कोई ना ऐसे गंदा कागज़ पड़ा हुआ दिखा नहीं, वहाँ साफ था सारा, तो पौधे पेड़ लगे हुए हैं, आपने देखा ही हमारे सेक्टर में कितने ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, तो मैं एक पेड़ पे से पत्ता तोड़ने लगी, तो उधर से एकदम से मेरे पीछे से मुझे चीखने की आवाज़ आई अंकल की,
कि ये मैडम पत्ता क्यों तोड़ रही है। तो मैं भी एकदम से ऐसे डर गई, मैंने कहा क्या हुआ अंकल तेरे पत्ता क्यों तोड़ रही, तेरे को पता नहीं है रात हो रही रात में पत्ता नहीं तोड़ते। मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है अंकल रात में पत्ता नहीं तोड़ते हैं, पौधे को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन इमरजेंसी है इसीलिए तोड़ रही हूँ। और उसके बाद जो अंकल ने ब्लास्ट किया, स्ट्रीट डॉग का जो गुस्सा था, जो उनको हेट होगी, जानवर पसंद नहीं होंगे, जो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाली, तो उन्होंने शायद इस ये सोच के मुझ पर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी कि बच्ची सी है, लड़की सी है, मैं सुनाऊंगा और ये सुन के ले लेगी। लेकिन अंकल को पता नहीं था कि अंकल ने किस चिंगारी में हाथ डाला, अंकल ने किसे छेड़ दिया। भाई साहब अंकल की लिटरली बोलती बंद करके आई हूँ मैं, और पता नहीं वो क्या क्या बकते रहे। फिर मैंने लास्ट में उनको बोला, मैंने कहा अंकल प्लीज जितना सुंदर आपने घर बनाया ना, अगर आपका नेचर भी इतना सुंदर होता तो क्या कहने थे, मतलब धरती पे स्वर्ग था ये। लेकिन अंकल ने कुछ भी, कुत्ते पाल रखे हैं, ये है वो है। अरे भाई अंकल ने इतनी लड़ाई, मतलब इतनी बहस कर दी मुझसे, इतनी बहस कर दी कि आप समझोगे एक पत्ता तोड़ के पोटी उठानी थी मुझे और डस्टबिन में फेंकनी थी, मेरे से वो नहीं हो पाई। मतलब वो मेरे को दोनों हस्बैंड वाइफ इतना बोलते रहे इतना बोलते रहे। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल पोटी तो उठाने दो यार, जिसके पीछे आप लड़ाई कर रहे हो उठाने तो दो यार। ये देख रहे हैं इस लड़के को, मैं बोल रहा हूँ कच्छू उतरवाओ, ये अलग ही जोन में। क्या ना वो कच्छू उतरवाओ बेटा, गंदी बात होती है ये। तो आज के दिन को यहीं पे करते हैं पूर्ण विराम, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में और एक नई होप के साथ में, क्योंकि आप सब लोग भी प्रे कर रहे हो विस्की के लिए और हम लोग भी प्रे कर रहे हैं, जितनी कोशिश हो सकेगी हम लोग करेंगे, बाकी सब भगवान की मर्जी है। इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ डू सपोर्ट गाइज। शुभरात्रि।